गाइस मैं अभी फिलहाल हूँ बंगाल स्वीट्स, बंगाली स्वीट्स करके एक गंगम्मा सर्कल, बेंगलोर में गंगम्मा सर्कल नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक बंगाली स्वीट्स है। अगर आप चाहते हो बेंगलोर में हो या बेंगलोर में आए हो या बेंगलोर में आने वाले हो, अगर आप चाहते हो कि बंगाली स्वीट्स का मज़ा ले, बंगाली स्वीट्स आप खाना चाहते हो बेंगलोर में, हर तरह की बंगाली स्वीट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। गंगम्मा सर्कल नोट कर लो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका एड्रेस, आप एक बार ज़रूर आके यहाँ पर टेस्ट करो। मैं हमेशा की तरह आता हूँ, बहुत दिनों से आ रहा हूँ, सालों से आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ पे आके बता दूँ कि अगर आप बंगाली स्वीट्स टेस्ट करना चाहते हो तो यू शुड कम हियर, यू मस्ट कम हियर। एंड गाइस एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे समोसा भी मिलता है। जो बंदे लहसुन या प्याज, गार्लिक एंड ओनियन खाना पसंद नहीं करते हैं समोसे में या किसी और चीज़ में, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप बिना लहसुन प्याज के भी समोसा यहाँ पे पा सकते हो, खा सकते हो। तो गाइज मैं तो 10 out of 10 एक्सपीरियंस, अगर आप मुझे से पूछोगे, मैं लगभग 10 साल से यहाँ पे आके खाता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तभी भी आके खाता था, आज भी खाता हूँ जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके खाना। आप भी ज़रूर एक बार आके यहाँ पर ज़रूर टेस्ट करें, थैंक यू। बट गाइज मैंने जो आप लोगों को बताया बंगाली स्वीट्स के बारे में, बेंगलोर में ये मिलता है गंगम्मा सर्कल पे, तो आप लोग एक बार ज़रूर आके टेस्ट करना, ठीक है। मैंने अभी एक कृष्णा भोग, एक्चुअली गाइज आप जब आते हो तो यहाँ पे कृष्णा भोग जरूर टेस्ट करो, कृष्णा भोग करके बोलो आप, ये देंगे आपको फाइनेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। वैसे तो गाइज ये इनका शॉप है और रिनोवेशन इज गोइंग ऑन, तो इनका कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए बाहर आउटलेट लगा के रखा है। गाइज इनके पास बहुत सारी वैरायटीज के स्वीट्स है, बट कृष्णा भोग इज द बेस्ट, मैं जब भी आता हूँ तो कृष्णा भोग और एक समोसा जरूर खा के यहाँ से जाता हूँ, तो चलो चलते हैं।